नमस्ते बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्या पढ़ रहे थे और उसमें कैकेयी, पिछली क्लास में हमने बताया था कि कैकेयी पश्चाताप करते हुए राम से विनती कर रही हैं और कह रही हैं कि सब कुछ भुलाने के बाद में कि मैं माता होने के नाते अभी तक तुम पर अनुशासन करती थी और तुम अनुशासन मानते थे, लेकिन आज मैं वही माता तुमसे विनती कर रही है। इस तरह की बातें पिछली क्लास में कैकेयी ने राम से कहे। ठीक, तो चलिए अब आज की क्लास में हम उसी कड़ी में आगे फिर उसी के व्याख्या देखते हैं। पढ़ते हैं पहले पद कि ले एक सांस रह गई सुमित्रा बोली, कैकेयी है फिर रामचंद्र से बोली, पर मुझको तो परतोष नहीं है इससे। क्यों? हाँ, तब तक मैं क्यों कहूं कि सुनूंगी किससे, जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी, रानी तूने तो रुला दिया पहले ही, यह कह कांटों पर सुला दिया पहले ही, आ मेरी सबसे अधिक दुखनी आजा, इस मुझसे चंदन लता मुझी पर छा जा। देखिए, सबसे पहले व्याख्या लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, संकेत लिखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले संकेत, संकेत में क्या लिखते हैं कि जिस पद की व्याख्या करते हैं उसके उस पद का प्रथम शब्द और अंतिम शब्द लिखना होता है। तो संकेत में क्या लिखेंगे, ले एक सांस, ले एक सांस, इसके बाद में डार का डट करके अंत में क्या लिखना है, मुझी पर छा जा, मुझी पर छा जा। ठीक, ये आपका क्या हो गया संकेत। फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग, संदर्भ एवं प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित है, लिया गया है या उद्धृत है, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और आगे प्रसंग में क्या कि प्रसंग में लिखा कि माता कौशल्या ने कहा कि हे राम, तू हठी है और दृढ़ भी है, हम तेरी अवधि को सहकर एक मार्ग देखकर जीवित रहेंगे। और उस समय सुमित्रा की क्या स्थिति हो गई और कैकेयी क्या, कैकेयी ने क्या कहा, यहाँ पर इन बातों का सामंजस्य, इन बातें व्यंजित की गई हैं। ठीक, अब इसके पश्चात फिर आती है आपके क्या व्याख्या, और व्याख्या के पश्चात क्या आएगा, विशेष। ठीक, तो चलिए देखिए व्याख्या कि ले एक सांस रह गई सुमित्रा बोली, कैकेयी है फिर रामचंद्र से बोली। माता कौशल्या ने कहा कि हे राम, तू हठी भी है और दृढ़ भी है, इस तरह से ये प्रसंग में बात हुई। तो ले गई, ले एक सांस रह गई सुमित्रा बोली, उस समय एक श्वास भर करके भोली सुमित्रा रह गई, वो एक सांस लेकर के एकदम शांत हो गई, कैकेयी है फिर रामचंद्र से बोली। तब माता कैकेयी ने रामचंद्र से कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहा, क्या कि पर मुझको तो पर संतोष नहीं है इससे, मुझे इस बात से तनिक भी संतोष नहीं है, यानी मेरे अंदर असंतोष है। हाँ, तब तक मैं क्या कहूं, सुनूंगी किससे, तुम्हारे लौटने तक मैं क्या कहूंगी क्या सुनूंगी।
तब क्या हुआ, जीती है अब भी अंब उर्मिला बेटी, अब भी लक्ष्मण विरह में उर्मिला जीवित है। आज भी जो लक्ष्मण विरह में उर्मिला जीवित है, इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी, इन चरणों पर वो सदैव दासिन बन करती रहेगी, चेटी मतलब दासी है, इन चरणों पर वो सदैव दासिन बनकर के रहेगी। रानी तूने तो रुला दिया पहले ही, हे उर्मिला रानी तूने तो वनवास के समय सभी को रुला दिया था, वनवास के समय तूने सभी को रुला दिया था, यह कह कांटों पर सुला दिया पहले ही, तूने यही रह करके कंटक में दुखों में सभी को डाल दिया था। और मेरी अधिक दुखनी आजा, अरे सभी सबसे अधिक दुखनी वाले तू अब आजा, इस मुझसे चंदन लता मुझी पर छा जा, तू चंद्रकला के समान मुझ पर छा जा। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। इसके पश्चात में आता है विशेष। विशेष में नंबर एक, कैकेयी राम वियोग में दुखी है। ठीक, और नंबर दो अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ठीक है, ये आपका विशेष हो गया। अब चलिए अगला पद देखते हैं। ओहो मुझको कुछ नहीं समझ पड़ता है, देने को उल्टा राज्य द्वंद लड़ता है, पितृ बल तक उसके लिए लोग करते हैं, हे सूने राज्य पर वही मरते मरते हैं, हे राम त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी, पर सूने भोग को भी न समझिए वैसी, हे तरुण तुम्हें संकोच और भय किसका, हे जरठ नहीं इस समय आपको जिसका, पस पक्षी तक हे वीर स्वार्थ लक्षी हैं, हे धीर किंतु मैं पशु न आप पक्षी हैं, मत की स्वतंत्रता विशेषता आर्यों की, निज मन के ही अनुसार क्रिया कार्यों की, हे वत्स विफल पर लोक दृष्टि निज रोको, पर यही लोक है ताप आप अवलोको, यह भी विनश्य है इसलिए हूँ कहता, क्या हम रहते यह राज्य हमारा रहता, मैं रहता हूँ सब भस्म शेष जब लोगो, तब तुम दुख छोड़कर क्यों न सौख ही भोगो। देखिए सबसे पहले आता है क्या आपका संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे, ओहो मुझको क्या, ओहो मुझको, इसके पश्चात में डाट 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 करके क्या आता है, सौख्य ही भोगो, सौख्य ही भोगो, ये आपका संकेत हो गया। फिर आता है आपका संदर्भ एवं प्रसंग। तो संदर्भ एवं प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग द्वारा के अष्टम सर्ग से अवतरित है। और इन पंक्तियों में चित्रकूट में वाद विवाद गहरा गया और उसमें मुनियों ने भी अपनी अपना भाग लेना प्रारंभ कर दिया। जिस समय भरत ने राम से कहा कि आप क्षण भर ठहरो, मैं ठगा न सहसा जाऊं, इसलिए क्या हुआ कि उस समय क्षण भर के लिए सभा में सन्नाटा से छा गया और उस शांति को तोड़ते हुए जावाली नामक जो वृद्ध मुनि बोले, यहाँ पर राम और मुनि का जो परस्पर संवाद है वो व्यंजित है। ठीक, तो फिर आता है आपका क्या, व्याख्या। और व्याख्या से पहले
कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको अभी देख लेते हैं। जैसे द्वंद, द्वंद मतलब वाद विवाद, ठीक है, संघर्ष है। मर्त्य, मर्त्य माने मरणशील, ठीक। और जरठ माने वृद्ध, और लक्षी, लक्षी मतलब देखने वाला। चलिए देखिए कि ओहो मुझको कुछ नहीं समझ पड़ता है, देने को उल्टा राज्य द्वंद लड़ता है। मुनि बोले अरे यह क्या, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। दोनों राजकुमारों के मध्य जो परस्पर राज्य देने के लिए नहीं, राज्य लेने के लिए नहीं, राज्य देने के लिए द्वंद क्यों छिड़ गया। जिस राज्य के लिए संसार में पिता का वध करके वध कर दिया जाता है, और उसके प्रति ये इतनी उदार नीति क्यों है। देने को उल्टा राज्य द्वंद लड़ता है, पितृवध तक उसके लिए लोग मरते हैं। मतलब राज्य के लिए जो पिता का लोग वध भी कर देते हैं अपने राज्य को हथियाने के लिए, लेकिन यहां पर राज्य लेने के लिए नहीं, एक दूसरे से राज्य देने के लिए द्वंद छिड़ा हुआ है। हे सूने राज्य पर वही मरते हैं, वही मरते मरते हैं। यह सुनकर के श्री राम बोले कि हे मुनि, वे ही मर्त्य जन मरा करते हैं राज्य के लिए जो मूर्ख होते हैं। हे राम, त्याग की वस्तु नहीं वो ऐसी। तब जावाली ने उत्तर दिया कि यदि आप उस राज्य का भोग करें तो आपको किसका डर है, जिसे तुम छोड़ रहे हो। तब राम ने उत्तर दिया कि हे मुनि, वह राज्य भोग की वस्तु नहीं है। हे राम, त्याग की वस्तु नहीं है ऐसी, पर सूने भोग को भी न समझिए वैसी। हे राम, यह राज्य इस प्रकार का, इस राज्य, उस राज्य का भोग करें तो आपको किसका डर है, जावाल ने कहा। तो राम ने उत्तर दिया कि हे मुनि, मुझे उसी का मुझे उसी इसका भय है जिसका इस समय तुमको नहीं है। यानी तुमको लगता है कि जो राज्य करें इसका डर नहीं, लेकिन मुझको उसी का भय है। जावाल ने बात घुमाकर कहा क्या कि हे तरुण, तुम्हें संकोच और भय किसका, हे जरठ नहीं इस समय आपको किसका, पशु पक्षी तक हे वीर स्वार्थ लक्षी हैं। जावाल ने बात घुमाकर के तुरंत कहा कि इस संसार में पशु पक्षी भी अपना स्वार्थ समझते हैं, किंतु तुम अपना स्वार्थ क्यों नहीं समझते हो, यही आश्चर्य है। तब राम ने उत्तर दिया कि हे धीर, किंतु मैं पशु न आप पक्षी हैं। तब राम ने कहा कि हे मुनि, ना तो मैं पशु हूं और ना ही आप पक्षी हैं, मत की स्वतंत्रता विशेषता आर्यों की। तब उस समय मुनि बोले कि आर्यों की यही विशेषता रही है कि उनमें मत स्वतंत्र है। अपना अपना मत तो सभी लोग दे सकते हैं, मत की स्वतंत्रता विशेषता आर्यों की। यही आर्यों की विशेषता है कि अपने मत की जो स्वतंत्रता है, अपना अपना मत तो सभी दे सकते हैं, निज मन के ही अनुसार क्रिया कार्यों की, हे वत्स विफल पर लोक दृष्टि निजों को। आगे कि साथ ही वे अपने मतानुसार कार्य भी करते हैं, परलोक की दृष्टि तो विफल है, दृष्टि से तो विफल है, उसको किसने देखा, इसलिए परलोक के नाम पर कार्य साधन में बाधा उपस्थित मत करो। तब राम ने उत्तर दिया कि हे तात, आप इसी लोक के अनुसार ही बात करिए। हे वत्स विफल पर लोक निज दृष्टि रोको, पर यही लोक है तात आप अवलोक को। तब राम ने उत्तर दिया कि आप इसी लोक के अनुसार बात करिए। तब जावाल ने क्या कहा कि अरे यह लोक जो है क्या है, नासवान है, इसमें इतनी ममता क्यों है। आगे तब राम ने कहा कि क्या अंत तक हम रहते हैं और हमारा राज्य, अरे मुनि, ना तो हमारा राज्य ही चिरस्थाई है और ना ही हम चिरस्थाई हैं। क्या हम रहते हैं, ये राज्य हमारा रहता, मैं रहता हूं शब भस्म शेष जब लोगों।
जावाल ने कहा, इसी से तो मैं कहता हूं कि यह जब भस्म शेष ही है अतः दुख छोड़ करके सुख क्यों न भोगे, हैं? तब दुख छोड़ करके क्यों न सौख्य ही भोगो। तभी जावाल ने हंस करके कहा कि इसी बात से तो मैं ये कह रहा हूं कि यह जब भस्म शेष ही है तो दुख को छोड़ करके सुख क्यों न भोगा जाए। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई। अब चलिए देखिए विशेष इसमें। नंबर एक, राम और भरत का त्याग तथा आदर्श संसार में विलक्षण, ठीक है। और नंबर दो, भाषा सरल एवं प्रवाह युक्त है। नंबर तीन, अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। ठीक, तो ये आपका विशेष हो गया। तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। ठीक है, इसी के आगे अगली कड़ी में हम इसी के आगे साकेत की जो अष्टम सर्ग की व्याख्या है, अगली क्लास में फिर हम इसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।